हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानेश्वर चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ ट्रेनर, फिटनेस कोच, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक, अच्छा सा कंटेंट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं कुछ नया आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यानी कि कहने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए हो तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों, हम आज का टॉपिक जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके किचन में भी एल्यूमिनियम के बर्तन आप यूज करते हो तो सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में एल्यूमिनियम के बर्तन आ चुके हैं और दिखने में भी काफी अच्छे होते हैं और आकर्षित होते हैं, और काफी सस्ते भी होते हैं और कम पैसे में भी वो एल्यूमिनियम के बर्तन मिल जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, दिखने में इतने एक्टिव होते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन की काफी अच्छे होते हैं। हम शादी फंक्शन में, होटल में देखते हैं, हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं। लेकिन अभी कभी सोचा है आपने कि एल्यूमिनियम में के बर्तन में खाना खाने से हमें कौन सी बीमारियां होती है और हमारे शरीर पर क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमें आप लोगों को सावधान करने आया हूं। अगर आप भी मार्केट जाते हो, सुपरमार्केट जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदने से 100 बार सोचिए दोस्तों। जी हाँ, ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है और आपके सेहत के लिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे देशों में काफी एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल हो रहे, घरों में भी नहीं, होटल में भी इस्तेमाल हो रहे। हर घर घर में, हर किचन में एल्यूमिनियम के बर्तन दिखते, काफी साफ करने में भी वो जल्दी आसान हो जाते हैं, दिखने में भी एक्टिव होते हैं, और हमें बर्तन, वो जो बर्तन होते हैं वो काफी हल्के भी होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, उसका वेट भी नहीं होता है और दिखने में एक्टिव होते हैं और काफी कम पैसे में भी मिल जाते हैं, इसीलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कभी सोचा है, नहीं सोचा है तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, आप घर में एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हो तो आपके काफी नुकसान होते हैं। आपके किडनी पे उसका नुकसान होता है, आपके ब्रेन पे भी उसका नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपके ऐसे बहुत सारे उसके नुकसान से, लेकिन दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा उससे, खाली हमारे देशों में 30% बीमारियां जो होती है गलत बर्तन के इस्तेमाल से होती है दोस्तों, और 30% जो बीमारियां हमें उससे भी हो रही है गलत बर्तन में खाना खाने से। तो आप जानते हो हमारा दादी जी, दादा दादी जी कौन से बर्तन में खाना खाते थे? वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। जी हाँ दोस्तों, वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। ऐसे भी अलग अलग बर्तन आ चुके हैं, दिखने में काफी अच्छे है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना मत खाइए, बहुत बहुत आपके शरीर पर साइड इफेक्ट होता है दोस्तों उसका। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ऐसे तो मैं यूं ही अलग अलग वीडियो लेकर आता हूं आपके सेहत के लिए और आपके हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए लेकर आता हूं आप लोगों को। चलो, मैं मुझे लगा कि चलो आज हम कौन सा वीडियो बनाए और कौन सा टॉपिक बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे मन में वो ख्याल आया कि मेरे दोस्त के लिए वीडियो बनाना चाहिए, वो किचन के लिए बनाना चाहिए, ये आज मेरे मन में ख्याल आया, इसीलिए दोस्तों मैं आज का ये टॉपिक बनाया। ये बनाने जा रहा था टॉपिक, पहले बनाने वाला था, लेकिन मेरे मन में वो काफी दिनों से मेरे मन में था, और मेरे घर में भी एल्यूमिनियम की बर्तन है दोस्तों, लेकिन मैं उसे काफी बंद कर दिया हूं, उस पे इस्तेमाल नहीं करता मैं। हर घर में, ऐसे कोई भी घर नहीं है कि उसमें एल्यूमिनियम के बर्तन हो या नहीं हो, लेकिन दोस्तों आप कहीं भी रिश्तेदार के घर पे भी जाओ, हर घर में जाओ, वहां पर एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, तो आज से भी वो बंद कर दीजिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, काफी ये वीडियो घर घर तक पहुंचना चाहिए। और मैं अगले टॉपिक में भी आपको मिलूंगा, और ऐसे भी मैं अलग अलग टॉपिक बनाता हूँ, और आपके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है टॉपिक पता है? बहुत अच्छा टॉपिक साबित होने वाला है, तो हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ जाओ दोस्तों, और आप ऐसे भी मुस्कुराते रहो। कहते हैं ना कि ना तू आसमान पैदा कर सकता है, ना तू जमीन पैदा कर सकता है, ना तू आसमान पैदा कर सकता है, ना तू जमीन पैदा कर सकता है, अरे यू ही नहीं मिलती मेरे दोस्त जिंदगी। ना तू आसमान पैदा कर सकता है, ना तू जमीन पैदा कर सकता है, ना तू आसमान पैदा कर सकता है, ना तू जमीन पैदा कर सकता है, अरे यू ही नहीं मिलती जिंदगी मेरे दोस्त। अगर करना है तो मन के, खुद के अंदर एक विश्वास पैदा कर, खुद के अंदर एक विश्वास पैदा कर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे भी जो दोस्त है वीडियो देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो वीडियो के जो टॉपिक है वो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।